तू ही राम है, तू ही रहीम है, तू ही इस विश्व का निर्माता है। ये बच्चे अभी यही गा मानव सेवा जो है वो कही जाती है कि वो ईश्वरीय कार्य है। और ऐसा ही एक कार्य छपरा शहर में करने वाले देवेश नाथ दीक्षित जी अभी मानव सेवा पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। हमारे साथ देवेश नाथ दीक्षित जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने इन बच्चों को जो परवरिश दी है, जो बच्चे कहीं ना कहीं परिवार से दूर हैं, परिवार के द्वारा छोड़ दिए गए हैं, और इनके द्वारा आज उनको उनका भरण पोषण किया जा रहा है, उन्हें अच्छी शिक्षा दी जा रही है, और आज उन्हें एक अच्छे नागरिक बनने के लिए सुविधाएं भी दी जा रही है। बच्चों के मिलने के बाद सबसे पहले मैंने इनमें संस्कार भरने के काम किया। हमने जो बच्चों में संस्कार नहीं है, उन बच्चों में मैंने एक 100% 100% संस्कार दिया। संस्कार के बाद उनको जीवन यापन करने के, जीवन जीने के तरीका हमने बताई, और तब हमने शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया। आज बच्चे हमारे काफ़ी लगनशील बन चुके हैं। इनके जीने में मैंने स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए बोला, इनको हाथ धो के खाना चाहिए, इनको कपड़े साफ़ पहनना चाहिए, अपनी बिछावन साफ रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ जो आचरण और व्यवहार करना चाहिए वो काफ़ी उत्कृष्ट स्वभाव का होना चाहिए, और उससे बच्चे आपस में मिलजुल के जब रहें तो उनको एक दूसरे को कोऑपरेशन लगे, आपस में मदद मिले, और समाज में वो पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बने। उसके बाद क्या बनेंगे? तो ये पहला हमारा संस्कार बनाने का बच्चों का काम, पहला मेरा ये सोच है और पहला प्रयास है। बिल्कुल, वैसे लोगों को मैसेज देना चाहूंगा कि वे घबराएं नहीं, बच्चे देश के भविष्य हैं, बच्चे में भविष्य निर्धारित रहती है। केवल घबरा करके नहीं, उनको नियमित रूप से आप भरने का प्रयास करेंगे, सुचारू रूप से भरने का संस्कार देने का प्रयास करेंगे, तो वो बच्चे निश्चित अच्छा हो जाएंगे। और यह काम हमने अपने होम में, इस होम में बच्चों के साथ मैंने किया है, जो देखने का चीज़ है। बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा आप लोग हैं, बहुत अच्छा है। आदमी बनना है हम लोगों को, वैसे बच्चे के समान से ऊपर बनना है जिनके माँ बाप हैं, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हम लोग ऊँचा बनना है। मेरा मनोबल निश्चित रूप से बढ़ा है, और मैं चाहूंगा कि इसे मैं बृहद करूं। और पहले तो उन बच्चों को मैं बोलूंगा जो पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति लापरवाह रहते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उनको मैं वो एक्टिव करूंगा, जागृति करूंगा। और वैसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनको मैं चाहूंगा कि एकत्रित करके उनमें संस्कार भर के उनको शिक्षित करूं, और उनके भविष्य को मैं इनका निर्माण मैं करूं। प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।